राजद द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद उम्मीदवार चुनावी आगाज कर दिए। आगाज करने के पहले कोई अपने कुल देवता के साथ साथ मंदिर में माथा टेक रहा है तो कोई क्षेत्र की मिट्टी को नमन करने में लगा है। इसी क्रम में हाजीपुर से राजद के उम्मीदवार के रूप में शिवचंद्र राम की घोषणा पार्टी द्वारा की गई, जिसके बाद शिवचंद्र राम अपने क्षेत्र हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों के समक्ष हाजीपुर की मिट्टी को दंडवत किया। प्रणाम करते ही समर्थक जयकारा लगाने लगे, जिसके बाद शिवचंद्र राम जनसंपर्क अभियान में निकल गए। देखते हैं हाजीपुर को चिराग पासवान सामने। देखिए हाजीपुर की जनता के बीच हम रहे। सबसे पहले मैं हाजीपुर की इस मिट्टी को मैंने नमन करने का काम किया हूँ, चुमने का काम किया हूँ। और इस मिट्टी को इसलिए मैंने चुमा है कि मैं इसी मिट्टी में जन्म लिया हूँ और इसी मिट्टी में कहने का मैं दफन हो जाऊँगा। मैं इस हाजीपुर की क्षेत्र की जनता के साथ जब से राजनीति में मैं आया हूँ, तब से मैं लगातार यहाँ की जनता का सेवा करता रहा हूँ और जनता का प्यार और मोहब्बत को मैं पाता रहा हूँ। चाहे वह जेठ की दोपहरिया हो, चाहे माह का महीना हो, चाहे जनऊ हो, चाहे छठी हो, चाहे सत्यनारायण भगवान का पूजा हो, चाहे वह जो है श्राद्ध हो, चाहे वह विवाह हो, सुख सुविधा में हमेशा मैं निश्चित रूप से हम जो है हाजीपुर की जनता के साथ सुख और दुख में मैं रहा हूँ। मैं यहाँ का बेटा हूँ और हमारा अधिकार बनता है कि मैं निश्चित रूप से हम इस यहाँ का बेटा है, हमारा अधिकार बनता है और तमाम हाजीपुर की जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारा सभी जाति समाज सभी हमारी मदद करे। आज हाजीपुर में भी देखा गया कि शिवचंद्र राम आए थे और अर्चना किए। हाजीपुर ही नहीं, राजद के द्वारा पूरे बिहार नौसभा का प्रथम सूची जारी कर दी गई और इसमें हाजीपुर से हाजीपुर का बेटा जो हमारे आज तक इतिहास रहा है कि जो भी यहाँ प्रतिनिधित्व में आए हम ही लोग हाजीपुर के रहे, सभी लोग पारी रहे और इन लोगों का क्या रहा नहीं रहा देख ही रहे हैं। पिछले बार पशुपति कुमार पारस थे, इन्होंने क्या किए कि यहाँ के लोग बने खोजते खोजते परेशान था, परेशान सब नहीं मिलते थे। इसलिए इस बार वैशाली का बेटा, वैशाली का अपना जो हाजीपुर के समदिन सेवा में लगे रहने वाले शिवचंद्र राम को कैंडिडेट राजद के द्वारा बनाया गया है और इन्होंने हाजीपुर की धरती जो पहले पटना से आने के बाद अपनी हाजीपुर को नमन करते हुए और सबसे पहले उन्होंने यह गजग्राह की धरती जो हाजीपुर कभी भगवान विष्णु आए थे और उस धरती को पहले उन्होंने अपने स्पर्श किया है और उनकी माने वंदना के साथ आज से अपना पूजा अर्चना के बाद पूरे क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकल गए।